हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे करेले आलू की सब्जी। बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने करेलों को अच्छे से वॉश किया है, उसको छील लिया है एंड देन उस पर 1 चम्मच नमक डाल के मैंने उसको मिक्स करके हमें उसको 1-2 घंटे के लिए ढक के रख देना है, जिससे कि उसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। एंड साथ ही मैंने यहाँ पर आलू और अंबियाँ भी छिल रही हैं। आलू को मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है एंड अंबियों को इस तरह से लंबे लंबे पीसीस में काट लिया है। आप चाहें तो अंबियों को स्किप भी कर सकते हैं। देन फिर यहाँ मैंने सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अपने जो करेले हैं आप देख सकते हैं नमक ने अपना पानी छोड़ दिया है, इससे जो ये करेलों का जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। फिर हमें इसको करेलों को अच्छे से वॉश करके एक बार अच्छे से निचोड़ लेना है, इससे जो जो करेले जो कड़वे होते हैं ना, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे आपके। अच्छे से इसका पानी हमें निचोड़ लेना है एंड वॉश करके हमें इसको फिर ऐसे पीसीस में कट कर लेना है गोल गोल। यहाँ मैंने पानी में फिर से अच्छे से वॉश कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। देन फिर हमें इसको गोल गोल पीसीस में इस तरह से कट कर लेना है करेलों को। आलू और अंबियों को मैंने पहले ही कट करके रख लिया है। देन यहाँ तेल हमारा गरम करते हैं पहले। सरसों का तेल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको पहले अच्छे से जला लेना है, वो मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। तो सरसों के तेल में पहले मैंने डाला है जीरा एंड थोड़ी सी हींग का पाउडर। इसको हमें अच्छे से पहले गरम होने देना है, देन हम इसमें अपने करेले डालेंगे। करेलों के साथ ही मैंने यहाँ आलू भी डाल दिए हैं एंड देन हम अपने जो हमने कच्ची अंबियाँ काट के रखी थी उसको भी हमने डाल दिया है। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तीनों चीज़ों को। आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है एंड बहुत ही जल्दी बन जाती है। क्विक एंड इजी रेसिपी है ये। इसके लिए आपको किसी भी प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने पहले ढक के रख दिया है, देन हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। फिर मैंने इसमें डाली है हल्दी, नमक, मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून एंड नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। देन फिर इसको हमें ढक के रख देना है एंड आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो गल चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी खट्टी पसंद है सब्जी, तो इसीलिए मैंने आमचूर भी डाला है। देन इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको फिर ढक के हमें पकाना है। इसमें हमें 1 कप पानी भी डाल देना है ताकि जो आलू हैं एंड करेले हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो 1 कप पानी डाल के भी मैंने इसको ढक के रखा है। सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ये सब्जी रेडी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।